हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माय सेल्फ प्रवीण यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सीएससी एंड बीसीए डिपार्टमेंट इन सेंट एंड्रयूज इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फेजेस ऑफ कंपाइलर फ्रॉम द सब्जेक्ट एसपीएससी. क्लास में पढ़ा था कि कंपाइलर क्या है, असेंबलर क्या है, क्या है, प्रोग्राम जनरेटर्स क्या है. कंपाइलर जब हम लोग एक सिंपल टर्म में बात करते हैं तो हमारे जो भी सोर्स कोड है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए या आउटपुट जनरेट करने के लिए जो हम टूल यूज करते हैं उसको हम कंपाइलर बोलते हैं. तो कंपाइलर किस तरीके से हमारे सोर्स कोड को एग्जीक्यूट करता है, वो एक यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करता है. स्टेप्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे क्या कुछ है. सो कंपाइलर ऑपरेट्स इन वेरियस फेजेस, ईच फेज ट्रांसफॉर्म द सोर्स कोड फ्रॉम वन रिप्रेजेंटेशन टू अनदर. एवरी फेज हैज टेक्स इनपुट फ्रॉम इट्स प्रीवियस स्टेज एंड फीड्स इट्स आउटपुट टू द नेक्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर. कंपाइलर हमारे पास बेसिकली क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग को असेंबली लैंग्वेज में या कहीं लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कंपाइलर को यूज करते हैं. बट यहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस है आपके कि जहाँ से आपका सोर्स कोड पास होगा हर एक फेज का कोई ना कोई आउटपुट जनरेट होगा, वो आउटपुट दूसरे फेज के लिए आउटपुट वर्क कर रहा होगा वहाँ पे. सो यहाँ पे आपके पास कुछ सिक्स फेजेज है कंपाइलर के, जिसमें आपका लेक्सिकल है, सिमेंटिक है, सिंटेक्स है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर है, कोड ऑप्टिमाइजर है, कोड जनरेटर है. जितने भी फेजेस है यहाँ पे जो सोर्स कोड है उसको हम डिवाइड करते हैं टोकन्स के अंदर, और उसके बाद हम लोग टोकन्स में डिवाइड करने के बाद पार्स ट्री क्रिएट होता है. पार्स ट्री के बाद सोर्स कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं कि कितने नंबर, जितना भी हो सके नंबर ऑफ जो लाइन्स है कोड की वो जितनी मिनिमाइज हो सके, तो वो सारा वर्क है हमारे पास. तो बेसिकली हमारे पास जो ये आपका ये है डायग्राम कंपाइलेशन प्रोसेसिंग का, फेजेस ऑफ कंपाइलर का, जिसके अंदर के हमारे पास सिक्स फेजेस है. जैसे कि फर्स्ट इज लेक्सिकल एनालाइजर, सोर्स कोड यहाँ से आएगा आपका, हाई लेवल लैंग्वेज होगी, देन लेक्सिकल एनालाइजर वर्क करेगा. उसके बाद सिंटैक्स वगैरह, सिंटैक्स से रिलेटेड चीजों को चेक करेंगे, सिंटैक्स से रिलेटेड एरर्स जो भी होंगे, देन सेमेंटिक्स. उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जो है वो जनरेट होगा, उसके बाद कोड को ऑप्टिमाइज किया जाएगा, और लास्ट में टारगेट कोड डेवलप किया जाएगा. इस बीच में हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स और है, सिस्टम टेबल और एरर हैंडलिंग. हर एक फेज में कोई ना कोई एरर भी जनरेट हो रहा होगा, जो जो भी एरर होगा उसको हैंडल करने के लिए हमें एक प्रोसेस हम लोगों ने पड़ी हुई है एरर हैंडलिंग. तो वही चीज है यहाँ पे एरर हैंडलिंग, जो कि हर एक फेज के साथ लिंकअप रहेगी. तो फर्स्ट फेज आपके पास लेक्सिकल एनालाइजर. बेसिकली यहाँ पे लेक्सिकल एनालाइजर हमारे पास क्या है कि जो फर्स्ट फेज है यहाँ पे आपके पास कंपाइलर सोर्स कोड को स्कैन करता है, और जब आपके पास कंपाइलर सोर्स कोड को स्कैन करता है तो यहाँ पे जैसे लेफ्ट टू राइट एक एक करेक्टर को वो स्कैन करेगा वहां पे, और जितने भी नंबर ऑफ करेक्टर होंगे सारे करेक्टर्स को मेरा कंपाइलर स्कैन करेगा, और वो क्या करेगा उसको पर्टिकुलर को टोकन्स के फॉर्म में डिवाइड कर देगा. सो स्ट्रीम ऑफ जो करेक्टर रहेगा सोर्स प्रोग्राम के अंदर वो ग्रुप ग्रुप के अंदर रहेगा, और जो टोकन्स हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. जो फर्स्ट है एज एन एग्जाम्पल हमने यूज किया कि x इज इक्वल टू y प्लस 10. जो x इक्वल टू y प्लस 10 है हर एक एक करेक्टर का यहाँ पे कोई ना कोई मीनिंग है. तो हमारे पास है इनको हम बोलते हैं टोकन. जैसे अगर x है, y है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है टोकन है. तो हमारा कंपाइलर क्या करता है कि इस पर्टिकुलर सिंटेक्स को, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को डिवाइड कर देता है. जैसे x क्या है यहाँ पे, x मेरे पास आइडेंटिफायर है, इक्वल टू आपका सेकंड टोकन है जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर है, या फिर प्लस आपके पास एक और ऑपरेटर है जो कि एडिशन ऑपरेटर है, y भी आपके पास एक आइडेंटिफायर है, और 10 आपके पास क्या है नंबर है या कॉन्स्टेंट है. तो इस तरीके से हमारे पास कंपाइलर अपने फर्स्ट प्रोसेस में लेक्सिकल एनालाइजर में क्या करता है, जो भी स्टेटमेंट उसको मिलती है वो उस स्टेटमेंट को अलग अलग टोकन में डिवाइड कर देता है. जब अलग अलग टोकन में डिवाइड करने के बाद प्रोसेस मेरे पास फिर पास ऑन होती है सिंटैक्स एनालिसिस में. तो यहाँ पे चेक होती है सिंटैक्स की, सिंटैक्स में कोई एरर तो नहीं है, कोई ऐसा सिंटैक्स जिसकी वजह से आपका स्टेटमेंट कंप्लीट ना हो पा रही हो, तो वो सिंटैक्स एनालिसिस के अंदर आएगा या सिंटैक्स एनालाइजर. सिंटैक्स एनालिसिस ऑल अबाउट टू डिस्कवरिंग स्ट्रक्चर इन, इट डिटरमाइंस वेदर और नॉट
टेक्स्ट फॉलोज द एक्सपेक्टेड फॉर्मेट, जो हमने बात की, हो सकता है कि वहां पे एक्स प्लस वाई प्लस के बाद सेमीकोलन आ जाए, तो आपके आपके पास सिंटैक्स एरर है। The main aim of this phase is to make sure that the source code was written by the programmer is correct or not. यहाँ पे programmer के through जो भी source code लिखा गया है वो check किया जाता है कि the programmer source code is correct or not. कुछ rules follow किए जाते हैं, फिर parse tree generate होता है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो obtained tokens from the lexical analysis से token मिलते हैं, उन token के behalf पे यहाँ पे parse tree create होता है। parse tree चेक होती है एक्सप्रेशन जो सिंटेक्स की है वो करेक्ट है या नहीं है, वो सिंटेक्स एनालिसिस का काम है चेक करने के लिए। उसके बाद जो भी यहाँ पे सिंटेक्स एरर होंगे उसका, वो जो उस टाइप के जो भी एरर जनरेट होते हैं वो सिंटेक्स एनालाइजर के थ्रू होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपके पास टोकन क्रिएट हुए उनके टोकन के भी आपका पार्स ट्री यहाँ पे क्रिएट होता है। तो यहाँ पे जैसे एक जो लास्ट में एग्जांपल था कि x इज एन आइडेंटिफायर एंड y प्लस 10 इज एन एक्सप्रेशन, देन x इज इक्वल्स टू y प्लस 10 इज अ स्टेटमेंट, ये हमारे पास लास्ट में एक स्टेटमेंट बनी थी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि a प्लस बी इंटू सी, एज एन एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है कि a प्लस बी इंटू सी। इसका यहाँ पे जो सिंटेक्स एनालाइजर है, एनालिसिस फेज है, यहाँ पे आप लोगों को इसका जो हमारा कंपाइलर है वो क्या करेगा, इसका पार्स ट्री यहाँ पे क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे हमारे पास इंटीरियर नोड होंगी जो कि हमारे पास चाइल्ड नोड भी होंगी यहाँ पे, उसके बाद आपके पास लीफ होंगी, और उसके बाद ये दोनों चीजें किसी ना किसी ऑपरेटर से कंबाइन होंगी। तो उस ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पे ये दो जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, जो भी आपके टोकन हैं, वो यहाँ पे कंबाइन होंगे एक दूसरे से। तो यहाँ पे आपके पास ए प्लस बी है इंटू सी है और पेरेंट टेस्ट है। तो यहाँ पे जब पेरेंट टेस्ट अगर हम इनकी वर्क करें तो हमारे पास फर्स्ट क्या आएगा, ए प्लस बी, ए और बी और प्लस ऑपरेटर के साथ वो कंबाइन होंगे इनटू सी। तो वो किस आपका लिए कुछ इस तरीके से होगा कि सिंटैक्स एनालिसिस में अगर आपके पास ये स्टेटमेंट है y is equals to a plus b into c, तो इस तरीके से वो क्या करेगा, एक पार्स ट्री क्रिएट करेगा जिसमें कि a और b को पेरेंटेसिस के अंदर है। तो पहले हमें ये परफॉर्म करना है, तो a को प्लस के साथ, और फिर इसका होल को मल्टीप्लाई करना है c के साथ। अगर यहाँ पे स्टेटमेंट थी आपकी y is equals to x is equals to y plus 10, तो यहाँ पे आपका होता है y और यहाँ पे आपका 10 और प्लस ही होता है इज इक्वल्स टू x। तो इस तरीके से आपका एक होती, बस यहाँ पे जस्ट क्या होता कि ये जो प्रोसेस है ये अपडेट हो जाती कि जो यहाँ पे c है वो इक्वल टू a प्लस b सेम होता, बस ये आपका स्विच हो जाता इस तरफ में, स्कैन वाले केस में स्पार्स ट्री। उसके बाद आपके पास आता है सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस में आपका यहाँ पे चेकिंग होगी हमारे पास कोड की, कि कोई कोड में मिसस्पेल्ड कुछ इस टाइप से ना हो रखा हो। जैसे सिमेंटिक एनालिसिस चेक फॉर टाइम मिसमैच कि लाइक कि आपका जो आपने वेरिएबल पास किया है वो इंटीजर है, तो आपके पास वहाँ पे इंटीजर होना चाहिए, फ्लोट नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की जो टाइप कास्टिंग वगैरह की जो प्रॉब्लम्स हमारे पास होती हैं, तो वो काम हमारे पास है सिमेंटिक एनालिसिस का। इनकम्पेटेबल ऑपरेंड्स है, फंक्शन कॉल विद इम्प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स, अनडिक्लेयर वेरिएबल्स, कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर नहीं किया लेकिन आप यूज कर रहे हो आर्ग्यूमेंट अपने जो फंक्शन के अंदर, आपने अगर सिंगल पैरामीटर फंक्शन यूज किया हुआ है लेकिन आप अगर जब कॉल करा रहे हो तो आप अपने दो पैरामीटर पास कर दिए, तो उस टाइप के जो इस टाइप के जितने भी इश्यूज है वो हमारे पास कौन सॉल्व करता है, सिमेंटिक एनालिसिस। हेल्प्स यू टू स्टोर टाइप इंफॉर्मेशन गैदर्ड एंड सेव इट इज इन सिंबल टेबल और सिंटैक्स ट्री। अब यहाँ पे आपके पास सिंबल टेबल के अंदर यू टू परफॉर्म टाइप चेकिंग case of time mismatch where there are no exact type correction rules which is satisfied semantic error is no type information उसकी compatibility चेक की जाएगी, और source code permits करेगा check if the source code language permits the operand or नोट। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पे क्या है कि फ्लोट x इज इक्वल टू 20.2,
तो ये हमारे पास फ्लोट टाइप का, बट यहाँ पे क्या हो रखा है कि फ्लोट वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू 30। अब यहाँ पे क्या है कि एक्स जो है वो आपका फ्लोट है, बट ये आपका इंटीजर वैल्यू है। तो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल जो है वो आपका क्या हुआ, सिमेंटिक एनालाइजर विल टाइप कास्ट द इंटीजर 32 फ्लोट 30.0 बिफोर मल्टीप्लीकेशन। ये जो हम बोलते हैं कि वो इनबिल्ट आपका यहाँ पे कन्वर्ट कर देता है, तो वो वर्क करता है आपका सिमेंटिक एनालाइजर। सिमेंटिक एनालाइजर आपका बेसिकली क्या करेगा कि टाइप कन्वर्ट कर, टाइप कन्वर्जन कर देगा आपके डाटा टाइप का एज पर रिक्वायरमेंट। उसके बाद है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। सिमेंटिक एनालिसिस फेज का वर्क, फेज तक का जितना भी वर्क है वो सारा कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद है वो आपके पास एक इंटरमीडिएट, उसके बाद जो कोड होगा आपका इंटरमीडिएट कोड जो कि टारगेट मशीन के लिए हमारे पास जो इंटरमीडिएट कोड है वो टारगेट मशीन के लिए जनरेट होगा, जिसको मशीन कोड भी बोल सकते हैं। इट रिप्रेजेंट द प्रोग्राम फॉर सम एब्स्ट्रैक्ट मशीन। इंटरमीडिएट कोड इज बिटवीन द हाई लेवल एंड मशीन लेवल लैंग्वेज, दैट मीन्स जो असेंबली लैंग्वेज जो कोड होगा आपका वो आपका पास क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट कोड हो जाएगा। दिस इंटरमीडिएट कोड नीड्स टू बी जनरेटेड इन सच अ वे दैट मेक्स इट इजी टू ट्रांसलेट इनटू द टारगेट मशीन मशीन कोड। तो जो इंटरमीडिएट कोड है इसके अंदर आपका पास लेक्सिकल कंप्लीट हो जाएगा, टोकंस के फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा, पार्स ट्री क्रिएट कर लिया, सिंटैक्स के अंदर आपने पार्स ट्री क्रिएट, असेंबली कोड जनरेट होगा। और जो असेंबली कोड जनरेट होगा वो आपके पास कोड जनरेट करने, वो असेंबली कोड जनरेट होने के बाद वो आपका मशीन कोड के अंदर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास इसके फंक्शंस यहाँ पे मेंशन किए हैं कि कौन कौन से इसके फंक्शंस हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के, कि वो क्या करता है कि जो उसको सोर्स कोड ऊपर से मिलता है उसको इंटरमीडिएट कोड में जनरेट करता है, इंटरमीडिएट कोड उसको टारगेट लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, टारगेट लैंग्वेज उसके बाद वो मशीन लैंग्वेज के अंदर जाके चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक हमने स्टेटमेंट यूज किया, दैट इज टोटल इज इक्वल्स टू काउंट प्लस रेट इंटू 5। तो यहाँ पे बेसिकली इंटरमीडिएट कोड जो हमने जो यहाँ पे हमारा कंपाइलर जो चेंज करेगा इसको, तो ये आपका हो जाएगा T1 मींस एक अपने वेरिएबल लिया हमारा जो कंपाइलर हो गया इसे लेगा अपने एंड पे और T1 के अंदर स्टोर करा देगा इंटीजर 2। यहाँ पे जो है इसको हमने क्या कर दिया, उसने 5 कर दिया, देन उसके बाद T3 एक और लिया और काउंट प्लस टोटल के अंदर हमारे पास क्या जाएगा, T3 आ जाएगा। तो ये आपका जो जनरेट हुआ ये आपका क्या हो गया, इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो गया। इसके बाद जब इंटरमीडिएट कोड आपके पास यहाँ पे जनरेट हो गया तो इसके बाद आपका क्या होगा कि कोड ऑप्टिमाइजेशन होगा, मींस यहाँ पे जो लेंथ है कोड की वो कम की जाएगी और देन आपका लास्ट में जो फाइनल कोड है वो जनरेट होगा। तो फिफ्थ स्टेप आपके पास कोड ऑप्टिमाइजेशन, नेक्स्ट फेज इज कोड ऑप्टिमाइजेशन। दिस फेज रिमूव्स अननेसेसरी कोड जो कि हम रिमूव कर सकते हैं 1%, जिसकी की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे को। तो वो जो कोड ऑप्टिमाइजेशन है कि अपने जो सोर्स प्रोग्राम है उसकी लेंथ कम करने के लिए हमारे पास वो सारे के सारे प्रोसेस आपके कोड ऑप्टिमाइजेशन के अंदर होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब हम कोड ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस को कम्प्लीट करने के तो फास्ट एग्जीक्यूशन हो जाएगा हमारे प्रोग्राम का, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग रिसोर्सेज भी हम लोगों को वेस्ट करना पड़ेगा। द मेन गोल फॉर दिस इज टू इम्प्रूव ऑन द इंटरमीडिएट कोड टू जनरेट अ कोड दैट रन फास्टर एंड ऑक्यूपाइज लेस स्पेस। सो प्राइमरी फंक्शन आपको क्या कहें, यहाँ पे इम्प्रूव द रनिंग टाइम ऑफ द टारगेट प्रोग्राम, रिमूविंग अनरीचेबल कोड, गेट अ ग्रिड ऑफ अनयूज्ड वेरिएबल्स, रिमूविंग स्टेटमेंट व्हिच आर नॉट ऑल्टर्ड फ्रॉम द लूप। तो यहाँ पे आप लोग किस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे जो हमने रूट पर वर्क किया था, ये क्या हुआ है कुछ वेरिएबल जो हमने यूज किए हुए हैं उसको हम लोग लाइक आप यहाँ पे हम कह सकते हैं कि T3 जैसे आपका एक एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है, T3 को अगर यूज नहीं करते तो यहाँ पे काउंट प्लस रेट इंटू T1। तो उस तरीके से हम इसको मिनिमाइज करते हैं अपने कोड को, कैसे अंदर इंटीजर टू फ्लोट यहाँ पर कर लिया और आपका एक और दूसरी स्टेटमेंट है सपोज, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीजर टू फ्लोट में जो आपने पिछले किया है कि वही काम यहाँ पे भी आपने कर लिया इंटीजर टू
इंटू ए की वैल्यू को हमने किसमें स्टोर करा दिया, एफ के अंदर स्टोर करा दिया। बट अगर हम यहाँ पे हमने क्या कितने स्टेप फॉलो किए हम तक, 1, 2, 3 और 4। अगर हम यहाँ पे कुछ स्टेप को रिमूव कर दे, जैसे कि यहाँ पे अगर जैसे डायरेक्ट किया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बी इक्वल टू सी इंटू 10.0। एक ही जगह हम लोग डायरेक्ट ये वाली स्टेटमेंट यूज ना करके 10.0 हमने कर दिया, तो स्टेटमेंट आपकी ये कम हो गई है। हम लोग इस वाली स्टेटमेंट को ना करके एफ इज इक्वल टू ई प्लस बी बी कर देते हैं आप, तो बी के अंदर आपका सी इंटू 10 है और ई के अंदर जो वैल्यू होगी वो ऐड हो जाए, आपका रिजल्ट जनरेट हो जाएगा वहां पे। तो ये कोड ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद कोड जनरेशन, तो लास्ट फेज आपके पास कोड जनरेशन, जो कि आपके पास जो इनपुट आया है उसको वो मशीन कोड में जनरेट करने के लिए हमारे पास जो भी कोड है उसको हम चेंज करते हैं। लाइक यहाँ पे ए इक्वल्स टू बी प्लस 60 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे मूव ए कोमा आर वन, पहले आर वन के जो वैल्यू है उसको हम किस में मूव करा देंगे, ए रजिस्टर के अंदर, देन मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 60 जो आपके पास मेंशन है वो, और यहाँ पे है 60 आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे क्या ये डाटा है आपका 60, और आर टू को हम मल्टीप्लाई करेंगे, और उस मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में ऐड कर देंगे आर वन कोमा आर टू को, तो आर वन के अंदर जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आर टू। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट एक प्रोसेस हो जाएगा, जो कि आपका एक असेंबली कोड जनरेट हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका ये असेंबली कोड जनरेट हो गया और ये लास्ट में आपके पास एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपको आउटपुट जनरेट करा देगा, जो भी आपका आउटपुट आएगा वो। सिंबल टेबल मैनेजमेंट हमारे पास कंटेन करता है अपने पास रिकॉर्ड ऑफ आइडेंटिफायर, जो भी आप लोगों ने जितने भी आइडेंटिफायर्स यूज किए हैं उसके एट्रीब्यूट्स उसके वहां पे, सो डेट की जब हम उस पर्टिकुलर आइडेंटिफायर को बाद में यूज करें तो उसका पर्टिकुलर हमें सारी इन्फॉर्मेशन वहां से मिल जाए, जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग इजिली, हमारे जितने भी फेजेज है वो वहां से इजिली एक्सेस कर पाए। और सिंबल टेबल और एरर हैंडलर इंटरेक्टिव ऑल फेजेस, जो भी हमारे पास सिंबल टेबल और एरर हैंडलर है वो सभी फेजेस के साथ इंटरेक्ट करेगा फर्स्ट, क्योंकि सिंबल टेबल के अंदर जो भी रिकॉर्ड आप लोग मेंटेन करता है मेरा कंपाइलर, वो किसी ना किसी फेज में रिक्वायर्ड अगर है तो वहां से वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएगा। वहीं पे अगर कोई एरर मेरे पास लेक्सिकल में ना हो के सिंटेक्स में ना हो के सिमेंटिक में अगर जनरेट हो रहा है, तो एरर हैंडलिंग के थ्रू हम लोग उसको सिमेंटिक एनालाइजर के टाइम पे ही हम लोग उसको इजिली हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या होगा कि लेक्सिकल एनालाइजर रॉन्गली स्पेल टोकन की, हो सकता है कि कोई टोकन आपने वहां पे गलत यूज कर दिया हो, जो हमने टोकन में डिवाइड किया था वो, उसके बाद सिंटैक्स कोई पेरेंथेसिस का प्रॉब्लम हो जाए, जो हमने बात की थी कि ए प्लस बी इंटू 5, हो सकता है कि ए प्लस बी इंटू सी किया था तो वहां पे अगर ब्रैकेट एक ब्रैकेट हो एक ना हो तो वहां वो आपके वहां पे हो जाएगा सिंटैक्स एनालाइजर। देन आपके पास इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, मिसमैच ऑफ ऑपरेंड्स फॉर एन ऑपरेटर, कोई जो आपने वैल्यूज पास की है वो वहां पे मिसमैच हो जाए, किसी दूसरे ऑपरेटर के लिए कोई वैल्यू दूसरी पास हो रही हो। देन कोड ऑप्टिमाइजेशन स्टेटमेंट, अगर आपके पास नोट रीचेबल आ जाती है, कहीं आपने काफी टाइप का प्रोग्राम को रन भी किया है तो वहां पे एरर भी वहां पे होता है कि स्टेटमेंट मिसमैच टाइप से। और देन आपके पास कोड जनरेटर में है तो अनरीचेबल स्टेटमेंट्स की, जहाँ पे हम लोग हमारा कंपाइलर पहुंच ही नहीं पाता है, तो उस टाइप की जो स्टेटमेंट्स है वो आपके पास कोड जनरेटर की है। देन सिंबल टेबल के अंदर आपके पास हो जाएगा एरर ऑफ मल्टीपल डिक्लेयर आइटम्स, सिंबल टेबल के अंदर आपके पास क्या होगा मल्टीपल डिक्लेयर जो है सेम नंबर ऑफ आइटम्स को अगर हम दो बार वहां पे डिक्लेयर कर देते तो वो भी आपके पास क्या हो जाता है एरर क्रिएट कर देते हैं वहां पे। किसी भी फेजेस में हमारे पास वो एरर हो सकता है, जब एरर हमें मिल जाता है तो वो एरर को वहीं पर उसी फेज के अंदर एरर को रिजोल्व किया जाता है, एरर को हैंडल किया जाता है, सो डेट की जो नेक्स्ट फेज है वहां पर उसका इम्पैक्ट ना पड़े। दीज एरर्स नीड टू बी रिपोर्टेड ऑन टू द एरर हैंडल विच हैंडल्स द एरर टू परफॉर्म द कंपाइलेशन प्रोसेस। जनरली द एरर्स आर रिपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ मैसेज, जैसे आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो कंपाइल करते हो तो वहां पे आपके सामने एरर की आपको कौन सा एरर है जनरेट हो रहा है। इसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ कंपाइलर, इसके अंदर आपका फर्स्ट एनेबल
सो बेसिकली नेटिव कंपाइलर आपके पास सोर्स कोड फॉर सेम टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म ओनली, दैट मींस कि उस टाइप में वो कंपाइलर जो आपके पास है पर्टिकुलर ओएस पर आप रन कर रहे हो तो वो उसी ओएस के लिए सोर्स कोड या टारगेट कोड को जनरेट करेगा और वो जो टारगेट कोड के लिए जो टारगेट कोड जनरेट हुआ उस पर्टिकुलर ओएस पे ही एग्जीक्यूट हो पाएगा। लाइक अगर विंडोज पे आप लोग वर्क कर रहे हो तो विंडोज पे ही वर्क करेगा, आपके लिनक्स पर पर्टिकुलर सोर्स कोड एग्जीक्यूट करेगा। देन है क्रॉस कंपाइलर। सो जो वो क्रॉस कंपाइलर जो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग उसको कंपाइल कर सकते हो, तो उस टाइप के कंपाइलर को हम लोग बोलते हैं क्रॉस कंपाइलर। सोर्स टू सोर्स कंपाइलर में हमारे पास जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसका जो कोड है हमारे पास वो एज एन इनपुट एंड आउटपुट जो आएगा हमारे पास उसको हम किसी अनदर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर इजिली कंपाइल कर सकते हैं। अनलाइक अदर कंपाइलर्स व्हिच कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल मशीन, इट कैन टेक अप अ कोड दैट इन पास्कल एंड कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू सी कन्वर्जन ऑफ वन हाई लेवल लैंग्वेज टू अनदर। यहाँ पे क्या होगा आपके पास सोर्स टू सोर्स कंपाइलर में अगर आपके पास प्रोग्राम पास्कल का है तो आप लोग सोर्स टू सोर्स कंपाइलर का यूज करके उसका जो सोर्स कोड होगा उसको हम दूसरी हाई लेवल किसी दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। लाइक द कोड ऑफ पास्कल will be used as a code of C। उसके बाद वन पास कंपाइलर जहाँ पे कि आपके पास जो कंप्लीट एक प्रोसेस होगी जो कंप्लीट कोड होगा वो कंप्लीट एक प्रोसेस में वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। द लास्ट वन इज इंक्रीमेंटल कंपाइलर, द कंपाइलर विच कंपाइल्स ओनली द चेंज्ड लाइन फ्रॉम द सोर्स कोड एंड द अपडेट ऑब्जेक्ट कोड। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि सपोज कि आपके कोड में कोई एरर जनरेट हो गया, आपने उस एरर को रिमूव कर दिया, रिमूव करने के बाद कंप्लीट दोबारा से आप उस पर्टिकुलर कोड को कंपाइल करते हो, बट वहां पे जो काफी सारे कंपाइलर क्या है कि कंप्लीट पूरे सोर्स कोड को दोबारा से कंपाइल करते हैं, जितनी भी प्रोसेसेस फेसेस जो भी है वो एग्जीक्यूट हुए हमारे सिक्स फेसेस वो सारे के सारे दोबारा प्रोसेस में आते हैं। बट इंक्रीमेंटल कंपाइलर में क्या है कि जिस पर्टिकुलर फेज पे अगर आपका एक एरर जनरेट हुआ लाइक सेमेंटिक्स पे अगर जाके एरर जनरेट हुआ है तो वो उसी को अपडेट करके और उसका जो ऑब्जेक्ट कोड है उस ऑब्जेक्ट कोड को अपडेट करके फर्दर स्टार्ट कर देता है। मीन्स जहाँ पे एरर जनरेट हुआ है आपका वहीं से वो दोबारा अपडेट करने के बाद और उस ऑब्जेक्ट कोड को भी अपडेट करने के बाद प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। सो एन इंक्रीमेंटल कंपाइलर इज अ काइंड ऑफ इंक्रीमेंटल कंप्यूटेशन अप्लाइड टू द फील्ड ऑफ कंपाइलेशन वेयर एन ऑर्डिनरी कंपाइलर मेक सो कॉल्ड क्लीन build that is rebuild all program modules, incremental compiler recompiles only those portion of a program that have been modified. Means incremental compiler वो चीज ही आपकी रिकम्पाइल होगी ना कि कंप्लीट प्रोग्राम। तो ये आपकी कंपाइलेशन प्रोसेस है। यहाँ पर आपके पास सिक्स फेजेस थे, सिक्स फेजेस के बाद सिक्स फेजेस में हमारे पास सिंबल टेबल और एरर हैंडलिंग हर एक पेजेस से टाई अप है। एरर हैंडलिंग सिंबल टेबल आपके पास यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे रिलेटेड विद आइडेंटिफायर्स टाइप्स एंड ऑल, और उसके बाद आपके एरर हैंडलिंग हर एक फेज पे कोई ना कोई एरर जनरेट हो रहा होगा तो जो एरर जनरेट हो रहा होगा उस टाइप के एरर को हैंडल करने के लिए यहाँ पे प्रोसेस हमारे पास एरर हैंडलिंग है। देन हमने जो लास्ट में बात की वो आपके पास लेक्सिकल एनालाइजर में आप लोग टोकन्स को की फॉर्म में हमारा कंपाइलर डिस्ट्रीब्यूट करता है हमारी स्टेटमेंट को। देन सिंटेक्स एनालाइजर में हम लोग चेक करते हैं कि कोई सिंटेक्टिकल एरर तो नहीं है। देन सेमेंटिक एनालाइजर में सिंटेक्स एनालाइजर में आप लोगों का फास्ट जनरेट होता है। पार्स ट्री के थ्रू हम लोग चेक करते हैं कि हमारे पास जो आउटपुट है या जो हमारे पास जो पार्स ट्री बना है वो सही है या नहीं है। देन आपके पास सेमेंटिक एनालाइजर है, सेमेंटिक एनालाइजर आपके टाइप मिसमैच या जो फंक्शन के अंदर आप लोग पैरामीटर वगैरह पास कर रहे हो वो चेक करता है कि वो सही है या नहीं है। उसके बाद आपका जो कोड है वो इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट होता है, दैट इज आपका जो असेंबली कोड है या टारगेटेड असेंबली कोड है उसके अंदर। देन आपके पास कोड ऑप्टिमाइजर होता है। कोड ऑप्टिमाइजर क्या करता है कि जो भी आपके लाइन जितने भी आपने स्टेटमेंट यूज किए हैं जितने भी आपने वेरिएबल्स यूज किए हैं वो मिनिमाइज करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स को, सो दैट द एग्जीक्यूशन जो स्पीड है वो फास्ट हो जाए, रिसोर्सेज हमारे पास कम से कम लगे, वो आपके पास कोड ऑप्टिमाइजेशन का काम है। देन टारगेट कोड जनरेशन है, तो यहाँ पे आपके पास जो कम्प्लीट एक असेंबली कोड जनरेट हो जाएगा कम्प्लीटली हमें क्या कुछ कर किस तरीके से करना है, और उसके बाद वो आपका देन जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो वहाँ पे फॉलो हो जाएगा। उसके बाद आपके पास टाइप्स ऑफ कंपाइलर जिसमें से कि इंक्रीमेंटल कंपाइलर जो है वो आपका टाइप ऑफ कंपाइलर है यहाँ पे।